मेरी डिग्री हाथ में बट मेरे पास जॉब नहीं. इट्स लाइक मैं घर पे बैठी हूँ. लाइक माय मदर हु इज इलिटरेट, हु इज नॉट डूइंग. इवन माय मदर इज अ टाइप ऑफ पर्सन, वो इस टाइप पे अपना बिजनेस चला रही है बट शी इज इलिटरेट. एंड मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा यू नो बदतर. तो आई गेस कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए हमारे कश्मीर में जहाँ पे हमारे जो यूथ है उनको एक इंस्पिरेशन मिले कि नहीं हमें जॉब करनी है, हमारे पास कुछ है करने को. क्योंकि जब हमारे हाथ में जॉब होती है हमारे पास इंस्पिरेशन होती है, यू नो जॉब इज एवरीथिंग. तो इवेंट से बहुत फ़ायदा हो रहा है. इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि हमारा एज अ बिलोंग टू टेक्सटाइल यू नो टेक्नोलॉजी, तो हमारे ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज हमें कश्मीर में नहीं मिलते. बट जब हम ऐसे इवेंट्स में आते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है ना इन चीज़ों का कि नहीं यू हैव टू डू समथिंग. एज फॉर मी डिप्लोमा कुछ नहीं है, बट एज अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ विद माय रिज्यूम एंड विद माय थिंग्स, आई नो मेरे को अपॉर्चुनिटी. मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं बड़गाम से आया हूँ. आज यहाँ जो प्लेसमेंट ड्राइव था मैं यहाँ आया, अपना रिज्यूम भी डाला और वो देखेंगे कि जॉब हो पाएगा या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह होगा. और मैं बाकी लोगों को भी दावत देता हूँ कि अगर कोई प्लेसमेंट ड्राइव अनाउंसमेंट हो उसकी तो आप भी आए यहाँ पर अपने रिज्यूम भी डालें, आपको जॉब मिल जाएगा इंशाल्लाह. हमें उम्मीद है ये कि जॉब मिल जाएगा और अपने टांगों पर खड़े हो जाए. बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी और ISU मार्केट इंडिया में अपने होते हैं और इसके अलावा हमारे पास कृषि यूनिवर्सिटी जो है EDI को भी हमने इन्वॉल्व किया है. हम उम्मीद करते हैं कि एक से डेढ़ से 1.5 लाख बच्चों का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हिस्सा करेंगे. उसमें 50,000 तो लड़कियाँ ही होंगी, ग्रुप्स में करेंगे. इसके पीछे साल हमने स्कीम पूरी शुरू की थी, उसमें हमने 5,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी. तो 10 से 15 का बेट बनाते हैं आने जाने का किराया और उसके साथ ₹300 पर्चा है. वो अगर 10 बच्चों को पढ़ेगा 3,000 उसका हो गया. और मटेरियल लाना पड़ता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल. इससे पहले हमें कोविड वॉरियर्स की ट्रेनिंग दी थी और यहाँ पे PM4 भी शुरू हो गया है. कैकेशा मैडम है यहाँ पे चलाते हैं, उसमें भी 25-30,000 का टारगेट हमें मिला है. इसमें हम बैक टू विलेज में हमने जो आइडेंटिफाई किए थे 85,000 बच्चे किए थे, उसमें लड़कियाँ हैं और आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के बाद हमने DCs ने उनकी ट्रेनिंग शुरू की है. कई DCs ने काम किया है, सारे DCs पे लगे हुए हैं. 2 करोड़ रुपये एडवांस दिया था हमने और भी पैसे लगे. शुड नॉट बी एन इशू. हम चाहते हैं कि उसका रेगुलर कोर्स करें, एक शॉर्ट टर्म कोर्स करें. शॉर्ट टर्म कोर्स अपनी चॉइस का करें. 1 लाख बच्चे मिल गया था, उसके बाद PM4 में अभी कर रहे हैं, टारगेट मिला हुआ. 3 में तो हमने फिर कोविड वॉरियर किए थे, पहले फेज में 750 हमने ITI में बाकी बच्चे 2,000 जो NSDC के जो इनके अप्रूव हैं.